पेरिस पैरालंपिक लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले निशात कुमार का शुक्रवार को उनके घर पहुंचने पर जोरदार इस्तकबाल किया गया। निशात के स्वागत में उनके माता पिता और बहन समेत बड़ी संख्या में लोग महतपुर पहुंचे थे, जहां ढोल नगाड़ों की थाप के साथ जमकर धमाल मचाते हुए लोगों ने निशात कुमार को सर आंखों पर बिठाया और भव्य स्वागत किया। अपनी फैमिली को, अपनी टीम को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और OGQ को, क्योंकि सभी ने एक साथ टीम वर्क किया है। पूरे हम 3 साल कंटिन्यू में प्रैक्टिस करते रहे इस मेडल के लिए और बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, आशीर्वाद था और दूसरे पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और उसमें अपने मेडल को डिफेंड करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और मेरे पूरे प्रदेश के लिए कि ये दूसरा मेडल है और मैं ऐसे अकेला खिलाड़ी हूँ जिसने पूरे प्रदेश को बैक टू बैक पैरालंपिक्स में मेडल दिया है। इसके बाद पैरा ओलंपियन सिल्वर विजेता निशात कुमार ने माता पिता के पैर छूकर उनका अभिवादन किया, जहाँ लाडली की उपलब्धि पर निशात के माता पिता ने गौरवान्वित महसूस किया और कहीं न कहीं निशात को सरकारी नौकरी न मिलने का रंज भी उनकी बातों में साफ तौर पर दिखा। निशात के पिता रशपाल ने कहा कि उनके बेटे ने लगातार दूसरे पैरा ओलंपिक में देश को रजत पदक दिलाया है, लेकिन दुख की बात है कि सरकार उनके बेटे की उपलब्धि को आज तक एक उचित इनाम के रूप में नौकरी का प्रावधान नहीं कर पाए। 2021 में सिल्वर मेडल लगाया, 2024 में सिल्वर मेडल लगाया, पर अपने इंडिया भारत का नाम रोशन किया, अपने इंडिया का नाम रोशन किया, अपने उन्हें जिले का नाम रोशन किया, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी चिंतपनी का नाम रोशन किया, अपने बदाम पिंड का, अपने जे के 2021 में मेडल लगाया, पर सरकार ने कुछ नहीं, नौकरी चाहिए। वही निशात के कोच नसीम अहमद का कहना है कि सरकार को खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैसे राज्य में रजत पदक जीतने वालों को 4 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये राशि उसके मुकाबले काफी कम है। हिमाचल सरकार से यही कहना चाहूँगा कि एक ही लड़का है जो पिछले ओलंपिक में मेडल लाया था, इस बार भी ओलंपिक में मेडल लाया, तो अगर हम बच्चों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे तो हमारी मेडल की संख्या भी बढ़ेगी और प्रदेश का नाम भी होगा। तो मेरा आज आप लोगों के सबसे यही है कि एक खिलाड़ी की, इसको मान सम्मान के साथ साथ इसकी जॉब भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो मिलनी चाहिए और जो पॉलिसी है अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे देखो एक जगह खिलाड़ी को 4 करोड़ मिल रहे हैं, एक जगह एक खिलाड़ी को 50 लाख मिल रहे हैं या 1 करोड़ मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देश में सब खिलाड़ी को मान सम्मान बराबर होना चाहिए। तो मेरा आज प्रदेश से हाथ जोड़ के है ये कि सरकार को निशात के लिए एक जॉब और इसके जो इनाम की राशि है एशियन गेम की और ओलंपिक की, वो अच्छी मिलनी चाहिए, जो एक मेरे कोच के नाते मेरी डिमांड है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। कहते हैं ना, अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कारनामा।